इतना समर्थन आपके बेटे को मिल रहा है, आपके भाई को मिल रहा है। पहलवानों के जिन आरोपों पर पश्चिमी यूपी की 28 खापों ने मोर्चा खोल दिया है, उन्हीं आरोपों को ब्रजभूषण शरण सिंह छोटा सा मामला बता रहे हैं और खुले मंच से रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए यहाँ तक कह रहे हैं कि वो ऐसे सूरमा हैं जो विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते। अपन का पर्दा नहीं हो, इस कर्ता पर जिया हूँ। सच है कि पत्र जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पर एक नहीं धीरज होते। संकट का चरण में कहते हैं जो आप अपना सब सहते। ब्रजभूषण शरण सिंह बाराबंकी में थे, जहां उन्होंने 5 जून को अयोध्या की रैली के लिए लोगों को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम का नाम जन चेतना महारैली रखा गया था, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के मेडल बहाने के मुद्दे पर भी चुभने वाला पलटवार किया। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक का माहौल गर्म है, तो वहीं बाराबंकी से खिलाड़ियों पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये भी बता दिया कि इतनी आसानी से वो आरोपों के आधार पर हार मानने वाले नहीं हैं। खिलाड़ियों के मेडल बहाने के ऐलान को उन्होंने इमोशनल ड्रामा तक कह दिया। इमोशनल ड्रामा, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन पूरी आभा नहीं जानता हूं, लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। मुदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार, मुदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार, वाह। लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नाम में बंद हो जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सरकार भी बहुत कुछ नहीं कह रही, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन ब्रजभूषण अपनी बात खुले मंच से रख रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि जिसे ये पहलवान 10 दिन पहले तक भगवान कहते थे, उनके खिलाफ ही अचानक से खड़े हो गए। मैं खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता, इन खिलाड़ियों से मेरा कोई पैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरह थे, इनके कामयाबी में, इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। पहलवानों के इस दंगल में 2 तारीखें अहम हैं। 1 तारीख 1 जून की है, जब पश्चिमी यूपी में खापों की महापंचायत होगी। दूसरी तारीख 5 जून की, जब अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में साधु संतों का बड़ा सम्मेलन होगा। ब्रजभूषण सिंह ने इशारा किया कि 5 जून को वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। कोई मुझे बड़ा काम करना है, मुझे नहीं करना है। भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है, और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह की इस महारैली में पश्चिमी यूपी के भी कुछ चेहरे दिखाई दिए। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने खिलाड़ियों के साथ साथ टिकैत बंधुओं पर भी खूब हमले किए। हम यहाँ भाजपा की और उसकी बात करने नहीं आए, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके बीच में कह रहा हूँ।
जब इस आंदोलन में राकेश टिकैत जैसे लोग जो राष्ट्रवादी जिन्होंने भारत को, आप सब लोग संविधान लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, भारत तीन बार गुलाम हुआ। पहलवानों की ये लड़ाई अब एक नई दिशा में घूम गई है, जहां से खिलाड़ियों की आवाज भी नजर आती है और सियासत का आक्रोश भी। अंजाम क्या होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है।